घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपन उस वीडियो के कुछ कमेंट्स में जाते हैं जो अभी बहुत पॉपुलर हुआ आपका वीडियो जी, जिसमें ये आकार और हाकार का ही जिक्र था, आप अभी बताना भी चाह रहे थे जी, तो ये हाकार से और आकार का क्या आपसी संबंध है? हाँ। क्यों उसको हा से ही शुरू करते हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, ये आपने बोला तो ये था कि हम आकार में करेंगे। हाँ। लेकिन आपने शुरू किया हा से, तो ये हाकार हो गया। आप खुद सोच के चलिए, आप प्रैक्टिकली देखिए, आप करके गाएंगे आ, ये यहाँ तक ही आएगा। इफ यू डू इट आ, ये यहीं से हा, पूरा गला एक, वो जो कहते हैं ना हा हा हा, हाकार नहीं है, ये आकार ही है। हरी, ये सांस लेने का एक टेक्निक है। इसमें जो फोर्स आएगा, बिकॉज वो पेट से आएगा आवाज, ये जो बोलते हैं पेट से आवाज निकालो, आकार करके आप कब निकालेंगे आवाज? मुझे ये बताए आ आ आ, ये यहीं तक अटकेगा। हा हा करेंगे तब जाके तो आवाज वो अंदर घुसेगा ना, पंप। हाँ। मतलब उस आकार को अच्छा बनाने के लिए हा का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, से और कुछ नहीं। हाँ, करके वो आकार, हाँ, जब बोलेंगे तो पूरा अंदर से आवाज हाँ। आएगी, खुल के आएगी। हाँ। फिर वो आकार में ही बदल जाता है बाद में, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में फोर्स बहुत लगता है ना, दमदारी का म्यूजिक है, इसलिए बहुत सारे लोग 100 बार मैं बोलती हूँ किसी को, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को बोला मैंने की हाँ इस सारे गामा बदानी सा सारे दाबा मगर ऐसा, अब मैं अभी किसी को बोल दूं कि 100 बार गाओ तो 2 मिनट के लिए सोचेगा 100 बार क्यों बोल दिया है, बट अगर आप उस सेल में वो हा से एक कंटिन्यूएशन जो आया वो आप उसके उसका फोर्स लगा के आप ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपका गला नहीं कर सकता है काम, फिर जबड़े का काम जो आता है वो फिर वहां पे आएगा। हा से करेंगे कंसेप्ट ही अलग हो जाएगा। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हा हा हा, ये नहीं करने के लिए, हर बार हा थोड़ी बोला हर बार नहीं बोला है। मैं बोल रही हूँ कि एक बार जो शुरुआती का है एक, और क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि हमारा इंडियन म्यूजिक स्पिरिचुअल म्यूजिक है और म्यूजिक एक योगा भी है, तो जब आप रियाज करें, प्लीज रिक्वेस्ट है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लिसनर्स हैं, कि जब आप रियाज करें एक स्वर पे, आपको मैंने पहले ही बताया था, क्लॉक रख के सामने और उसमें कितना काउंट्स में मैं आप एक स्वर को गा सकती हूँ, फिर के उसके बाद देखिएगा हाँ इस स्टाइल से गाइए, वो फिर वो कितना स्वर जाता है, फिर हाँ एक सांस में मैं कितनी बार ये अलंकार पूरा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, फिर उसको थोड़ा बढ़ा के मैं कितनी बार अलंकार कर सकता हूँ उतने सेकंड्स में, और बेसुरा ना हो रहा हाँ, हो सुर में बेसुरा। हाँ, अच्छा, ये जो बेसुरा है ये बेसिकली जो जैसे हमारे गुरुजी जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर बात करें हम लोग, सुर का ऑपोजिट क्या है आपके हिसाब से? बेसुरा असुर आपके हिसाब से? नहीं, सुर का ऑपोजिट है शांत। ये कंसेप्ट गुरुजी ने बताया है किस तरीके से है, अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं वो सुर में ही है। हर एक का पिच अलग अलग होता है, हर एक इंसान का, हर एक जीव का, हर एक मतलब हर एक का एक अपना पिच होता है। कोयल की आवाज़ हमको मधुर लगती है, कौवे की आवाज़ मधुर नहीं लगती है, बट वो भी अपने हिसाब से ही गा रहा होता है। तो हर एक का पिच है और पिच को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये कृपया करके जो भी सिखाते हैं उनसे मेरा, जैसे जो कुछ अभी नए नए जो टीचर्स बने हैं, आई वोंट से गुरु, टीचर्स जो बने हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने स्किल से मत सिखाइए, आप जिसमें फ्लेक्सिबल हैं वो रखिए, आपका आप हारमोनियम जिस स्केल से बजा सकते हैं सिर्फ उस पर ही मत रखिए अपने आप को, आप अपना भी थोड़ा सा बेटर करिए, बिकॉज हर एक स्टूडेंट का, जैसे हम लोग भी सिखाते हैं बच्चों को, हम लोग भी स्कूल्स में और कॉलेजेस में और अलग जगहों पे जैसे वर्कशॉप्स करते हैं, हर एक बच्चे का स्केल अलग होता है। मान लीजिए किसी का, जैसे अगर किसी की बात करें स्टूडेंट की, तो नॉर्मली आप कैसे किस स्केल में गा सकते हैं? चौथी या पाँचवीं। तो मेरा कोशिश रहना चाहिए कि उस स्टूडेंट को उनके हिसाब से सिखाइए, चीज़ हमारे गुरुजी हमारे साथ करते हैं, जबकि हमारे गुरुजी का स्केल जो है अगर आप देखेंगे तो वो डी शार्प ई से गाते हैं,
हमारे साथ जब हमको रियाज करवाने बैठते हैं तो वो हमारे को कभी चौथी काली पांचवी काली से हमको रियाज करवाते हैं, दैट इज ए शार्प और जी शार्प, विच इज वेरी डिफिकल्ट. का उनको पता है कि इस बच्चे को मैं अगर यहाँ पे सिखाऊंगा, इस स्टूडेंट को यहाँ पे सिखाऊंगा तो ये और अच्छा तरीके से समझ पाएगा. तो वो बहुत ज़रूरी है हर एक टीचर के लिए, एंड इवन स्टूडेंट्स को भी बताना ज़रूरी है कि सर मेरे गले में दर्द हो रहा है या मेरे गला में इतना पहुंच नहीं पा रहा है. मैं कोशिश करके वो वहाँ चिल्ला सो सकता हूँ बट वहाँ पहुंच नहीं पा रहा है. कंफर्टेबली गाना बहुत ज़रूरी है. म्यूज़िक कंफर्टेबल जोन है. म्यूज़िक कभी भी हार्डली नहीं करना.